हेलो जी, आज हम बहुत लेट हो गए हैं। लाइफ हमारा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। हेलो एवरीवन, प्लीज़ ज्वाइन फास्ट। हम थोड़ा सा नहीं, काफ़ी लेट हो गए हैं। वैसे तो आज बहुत लेट हो गए हैं। कोई बात नहीं, अभी भी हम फटाफट से शोकेस कर देंगे। तो उसके लिए फटाफट से ज्वाइन कर लो सब लोग, फिर हम शुरू करेंगे अपना लाइव। बहुत ही अच्छा सा कलेक्शन है, बहुत सुंदर है, बहुत डिज़ाइनर अल्टीमेट कलेक्शन है आज का। ठीक है, तो प्लीज़ ज्वाइन फास्ट एवरीवन। संगीता, हाय संगीता, आ गए आप? सॉरी मैं लेट हो गया आज। थैंक यू सो मच एवरीवन, अभी भी आप ज्वाइन कर रहे हो तो मुझे लग रहा था कि कोई भी नहीं आएगा। मैं ना लाइव शुरू करके देखती हूँ, अगर कोई नहीं आया ना तो मैं फिर डिस्कनेक्ट कर दूँगी और भाग जाऊँगी, कल करूँगी। बट आप लोग आ गए, थैंक यू सो मच। अभी जो लाइव में जो लोग है ना आएंगे ना लाइव में आज, उनका बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सा कलेक्शन रहेगा, है ना। सिंगल सिंगल पीसेस हैं और बहुत ही ऑसम अल्टीमेट वाला रहेगा ये वाला कलेक्शन मेरा। तो जो भी लाइव देखेगा उसको मिल जाएगा, और सुबह तक जो देखेंगे आई थिंक वो सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो वीडियो डाला था ना आज सुबह, उसमें बहुत सारी तो डिमांड उसमें इतनी ज़्यादा थी ना कि पिक्चर्स भेज दो, हमारा बुक है, हम इनमें से कोई भी, सब कलर अच्छे लग रहे हैं, कोई भी एक कलर हमें दे दो। तो ऑलमोस्ट सोचो कि वो जब मैं पिक्चर सेंड करूँगी ना तो बुक हो जाएगा वो। बट मुझे लाइव करना था ना, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी। इसमें ना टू टाइप्स का रहेगा आपका, एक मोढ़ाल सिल्क रहेगा और दूसरा फैब्रिक रहेगा चंदेरी पे। ठीक है, दो, एक आपका क्लैंप के साथ और एक आपका शिबोरी वाला। तो मैं अभी शुरू कर देती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो चार पांच लोग जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको ही दिखा देती हूँ। ठीक है, आई थिंक जो लोग अभी हैं ना वो लोग ही ज़्यादा वेट कर रहे होंगे मेरे लाइव का, है ना। ठीक है जी, तो हम पहले है ना मोढ़ाल से शुरू कर लेते हैं। मोढ़ाल जो फैब्रिक है, मोढ़ाल के जो सूट्स हैं, हम उनसे शुरू करते हैं पहले। मेरा मफलर खुल गया, आज मैं चली गई थी कहीं पे। आ गए सब लोग, आ रहे हैं धीरे धीरे। चलो, ये रहेगा पर्पल शेड, बहुत प्यारे से पीसेस रहेंगे। ठीक है, हैंड बांधनी रहेगा आपका इसमें। ठीक है, ये देखिए पूरा हाथ का बांधने का आपको इसमें देखा कि इसको, इनको ना मैंने आयरन नहीं करवाया अभी, क्योंकि वो पूरा लुक खराब हो जाता है फिर। ऐसे लगता है लोगों को कि ये प्रिंट है या कुछ है। तो इसका जो ऑथेंटिक इसका लुक है ना, मैंने आयरन सीरियसली मैंने इसलिए नहीं इनको कराया अभी, कि आपको पता चलना चाहिए कि हाथ का हैंड बांधनी है। ये इसका रहेगा शॉर्ट 2.5 मीटर, और सेम, कहाँ गया इसका शर्ट, हाँ, और 2.5 मीटर बॉटम सेम रहेगा आपका। मतलब ऑल ओवर आपका बांधने का सूट बनेगा ये, है ना। ठीक है, आप जस्ट इमेजिन कि वो कितना ही सुंदर लगेगा ये वाला। आप इसका अनारकली भी बना सकते हो। राम राम जी, राम राम, आ गए आप, मैं लेट हूं आज बहुत। ठीक है, तो ये देखो इसका आप अनारकली बनाओगे 2.5 मीटर, मतलब 5 मीटर आपका फैब्रिक ही होगा, हो गया है। ठीक है, आप इसका टू पीस बनाओ या अनारकली बनाओ, और आपको टोटल 5 मीटर फैब्रिक मिलेगा। और ये रहेगा इसका खूबसूरत सा दुपट्टा, लेट मी शो यू, इतना सुंदर है ना ये। मुझे लगा मैं लेट हूँ, नहीं जी आप लेट कतई नहीं हो, हम लेट हैं आज। तो मैं भाग भाग के, मैं ना मॉल चली गई थी एक बार, और पहले मेरा वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो चल नहीं रहा था। तो मैं सोचा चल मॉल ही चल पड़ती हूँ, क्या करूँगी। तो मैंने पीछे से उनको, भैया को बोल के गई कि आप इसको चेक कराओ। फिर जैसे ही उनका फोन आया ना कि दीदी ठीक हो गया वाईफाई, तो मैं फटाफट भाग के आ गई वापस।
तो ये हुआ मेरे साथ आज, ठीक है। ये देखो, ये पूरा इसमें नुई शिबोरी, जो नीडल शिबोरी है ना, वो रहेगा ये इसमें। आप देखोगे ना, इसमें छोटे छोटे आपको हॉल्स भी ऐसे दिखेंगे कि जो अपन सुई से इसमें थ्रेड से इसको बांधते हैं। मुढ़ाल रहेगा, मुढ़ाल सिल्क, ठीक है, विद लकड़ी पट्टा और टेसल्स रहेंगी इसकी लकड़ी पट्टा के साथ। टोटली नीडल शिबोरी रहेगा, प्रिंट नहीं है और ना ही ये वो मशीन वाला शिबोरी है। हाथ के जो स्टिचेस, हाथ से जो स्टिच करते हैं उसके बाद जो डाई करते हैं, वो नीडल शिबोरी रहेगा, हैंड नीडल शिबोरी। आपको पता ही होगा कि हैंड नीडल शिबोरी का दुपट्टा जब हम लेते हैं वही बहुत एक्सपेंसिव होता है ना। तो ये रहेगा आपका सूट का लुक। दीज आर अल्टीमेट। आप इसका अनारकली बनवाना, 5 मीटर है आपको, सेम बंधेज में आपको मिलेगा, मतलब सेम पैटर्न है। आप इसका अनारकली बनाना, अच्छा सा हैवी सा कुछ, और ये दुपट्टा लेना, बहुत प्यारा पीस बनेगा आपका ये, ठीक है। बहुत ही प्यारा आपका पीस रहेगा ये, हैंड शिबोरी रहेगा, हैंड बांधनी के साथ रहेगा आपका ये वाला। 5 मीटर आपका फैब्रिक रहेगा, 2.5 2.5 ईच सेम फैब्रिक रहेगा आपका, तो आप इसका कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हो। और ये दुपट्टा रहेगा, इसके मैं कलर्स दिखा देती हूँ, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है अच्छे से, ठीक है। अब सिर्फ मैं इसके कलर दिखाऊंगी क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं और इतनो लोग मेरे को देख रहे हैं अभी, एंड मेरे को लगा कि सब सो गए होंगे ठंड में। मैं सच में, मैं को था कि मैं ना 2 3 मिनट वेट करूंगी, अगर कोई नहीं आया ना तो भाग जाऊंगी मैं भी, बट आप लोग आ गए हो, आप मतलब कि आप लोग मेरा वेट कर रहे थे इसका मतलब, ठीक है। ये देखो बहुत प्यारा पीस है, कलर भी बहुत अच्छा है, मतलब इनकी ना ब्यूटी कुछ अलग ही होती है, इनको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप देखा और आप समझ ही गए होगे इनको, है ना, कि ये कौन से पीसेज हैं। कपड़े ठीक कर लो, ठीक है। तो प्राइस इनकी, इनका प्राइस रहेगा, हाँ प्राइस क्या रहेगा इनका, प्राइस रहेगा 4450। प्राइस जो है ना बहुत ही नॉर्मल प्राइस है, मतलब इस प्राइस में आपको ये पीसेस नहीं मिलेंगे, इतने काम के साथ, इतने वर्क के साथ ये पीसेस आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा, मतलब गारंटेड इस फैब्रिक पे। क्योंकि जो मतलब इसका जो हैंड शिबोरी का जो दुपट्टा होता है ना, वो ही बहुत एक्सपेंसिव आता है, इतना काम वाला जो इस पे इतना वर्क है ना, वो वाला वही बहुत एक्सपेंसिव आता है। और प्राइस अब याद रखना मैंने क्या बोला, सबका सब आज मैं सेम प्राइस पे दूंगी, दूसरे वाले भी नहीं, दूसरे वाले का थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इसके मैं कलर दिखाती हूँ अभी, फिर जाएंगे हम ब्लू कलर, बहुत प्यारा है आजकल ब्लू कलर, बड़ा अच्छा आ रहा है और पसंद भी आ रहा है ब्लू कलर, पता नहीं क्यों बट अच्छा लग रहा है। प्राइस 4450, 100 शिपिंग रहेगा इसका, ठीक है। ये रहेगा आपका, ये देखो इसमें मतलब सब में ना जो डिजाइन पैटर्न हमने कुछ कुछ अलग अलग दिया है। ये मेरा फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने पहले 2 सैंपल मंगवाए थे इसके, बनवाए थे तो मुझे वो बड़े अच्छे लगे, फिर मैंने इसमें उसके बाद मेरे पास अब आया है। सेम 5 मीटर आपका बंधेज का रहेगा, मोढ़ाल का, और ये रहेगा आपका दुपट्टा, ये देखो विद लगड़ी पट्टा। आ जाओ मेरे को हेल्प कर दे, अभी जा तू, तू दिखा ले, ले। के बाद खाना ले लेना। ओके ओके ठीक है। ये रहेगा इसका दुपट्टा, बहुत प्यारा दुपट्टा है। आप इस दुपट्टे को अलग से भी किसी के साथ यूज करोगे ना, जी आप प्लीज लाइक करने दे, मैं पहले ही लेट हूँ। ये देखिए, ये रहेगा इसका दुपट्टा, ये देखो ये जाएगा इसका, बहुत प्यारा सा दुपट्टा आपका। 5 मीटर आपका फैब्रिक रहेगा, 5 मीटर आपका फैब्रिक रहेगा शर्ट एंड बॉटम के लिए, ठीक है। हाय गार्गी जिया चली गई है वापस, तो मैं उसको बुलाती हूँ दोबारा से, आपसे बात करेगी वो, आपको बहुत मिस करती है, बहुत याद करती है आपको, ठीक है। ये देखिए ये रहेगा इसका सूट का लुक, 4450,
प्राइस इज वेरी रिजनेबल, तो आप बिल्कुल भी ऐसे मैं सोच रहा कि प्राइस ऐसा है, क्योंकि इतना सारा काम, इतना सारा आर्ट एक ही सूट में, तो इस प्राइस में पॉसिबल ही नहीं है। मे बी नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास आएगा तो प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ये फर्स्ट मेरा फर्स्ट टाइम मैं लॉन्च कर रही हूँ अपना, क्योंकि मैंने ज्यादा मतलब ज्यादा पीसेस बनवाए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, तो अभी फर्स्ट टाइम मैंने प्राइस थोड़ा सा इसलिए ऐसे रखा है। ठीक है, बहुत प्यारे पीसेस हैं, तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट कलर। अभी मैं फोल्ड नहीं करूंगी साथ साथ, हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, तो इनको मैं बाद में दीदी को बोलूंगी सुबह। और ये है रेड कलर। अभी इसमें देखो ना, कैमरे में हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा ब्राइट लगता है, ये हल्का सा ब्राइट लग रहा है मतलब लाइट्स की वजह से। रेड कलर हमेशा ऐसे ही लगता है, उसको हल्की सी लाइट, अगर आप रिफ्लेक्शन हो रहा है ना लाइट्स का, क्योंकि मेरे पास आसपास ना बहुत सारी लाइट्स हैं, तो वो थोड़ा सा ना ब्राइट लगता है। ये देखो, ये जाएगी इसकी बॉटम, सेम कलर और सेम इसके जो बंधेज में जो इसमें बना हुआ है ना पैटर्न, सेम आपका इसमें रहेगा। ठीक है, और ये जाएगा इसका बहुत प्यारा सा दुपट्टा विद लगड़ी पट्टा एंड ब्यूटीफुल टेसल्स। और ये देखिए, ये इसका पैटर्न है, बहुत प्यारा पीस है। ये जाएगा आपका सूट का लुक, दिस इज द लुक। 5 मीटर फैब्रिक मिलेगा। आप देखो जो प्राइस ये 4450 में बोल रही हूँ ना, वो प्राइस में आपको अगर पीस मिले भी गा ना, तो आपको जिसमें बॉटम आपकी प्लेन आएगी, आपको ये वाला बॉटम सेम बांधने का, आप सोचो कि ये सेम अगर बांधने का फैब्रिक भी लेते ना 5 मीटर, तो उसी की कॉस्ट बहुत जाती है। वो भी सिंगल बंधेज में आएगा, जो सिंगल बंधेज होता है ना, एक एक डॉट्स होता है वो। जब हम ये वाला डिजाइन लेके जाते हैं ना, ये बर्फी वाला डिजाइन जो बोलते हैं, इसमें ना मतलब कितने सारे हैं, 1 2 3 4 6, 3 6 9 9, मतलब इसमें वो बने हुए हैं बंधेज, फिर जाके वो एक इसका बूटा बना हुआ है। तो इस बंधेज को अगर हम करवाते हैं तो इसकी कॉस्ट अलग आती है। सिंगल बंधेज वाला फैब्रिक भी हमें 5 मीटर लेते ना, तो 3000 के आसपास कॉस्ट आती है, अच्छा वाला फैब्रिक लेते हैं। ठीक है, तो बट ये वाली तो इसकी तो बहुत महंगी आती है, मतलब 4000 के आसपास आपको कॉस्ट पड़ेगी फैब्रिक फैब्रिक की। और जिसमें मैं जो 4450 में मेरे पास फुल सूट है, जिसमें आपका दुपट्टा बहुत हैवी है, इससे कहीं ज्यादा बंधेज से ज्यादा जो डिफिकल्ट है आर्ट, मुश्किल है बनाना, वो ये वाला है, नोई, ये नीडल शिबोरी वाला है, जो हाथ से इसको स्टिच करते हैं, उसके बाद डाई होता है, उसके बाद इसमें ये इफेक्ट आता है। ठीक है, ठीक है जी, आपका रेड कलर हो गया। ब्लू पर्पल मैंने पहले दिखा दिया है, और अभी चलते हैं हम, बहुत प्यारा सा कलर है ब्लू का, ये एक और शेड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, जो ये पर्पल ब्लू था, ठीक है, ब्राइट जैसे पर्पल ब्लू होता है, ये वो वाला है, और ये हमारा दूसरा कलर का ब्लू है, जैसे आपको दिख रहा है ऐसे ही। ठीक है, ये भी बहुत प्यारा पीस है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्लैम्प के सूट, दुपट्टे वाले। तो बहुत ज्यादा पीसेस अभी भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगा है बनने में, और जो आर्टिस्ट है जो बनाता है, तो वो बहुत मतलब लड़का है, ज्यादा एज नहीं है, तो वो अपना पढ़ाई भी करता है साथ साथ, और पार्ट टाइम मतलब ऐसी ये चीजें भी बनाता है। मतलब वो कह रहा था कि मैडम मुझे बहुत शौक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप मुझे भी कोई काम दो। तो मैंने उनको बोला कि चलो अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा, आप कर सकते हो, आपको अच्छा लगता है तो आप बना दो। फिर उसने इतना अच्छा काम करके मुझे दिया है। ठीक है, ये देखिए, दिस इज द फुल लुक, बहुत प्यारा पीस है, फुल सूट रहेगा, बॉटम की प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि बॉटम का जो फैब्रिक है आपका सेम मिलेगा आपको, आप इसमें सेम आप फुल सूट बना सकते हो। आप इसको 5 मीटर का फुल घेर वाला, जैसे अनारकली टाइप से आप बना सकते हो, आप बॉटम प्लेन ले सकते हो इसके साथ, आप चूड़ीदार बनवा सकते हो उसके साथ, फिर तो ये आपका बहुत हैवी पीस बनेगा। ठीक है, ओके जी, देन इसके बाद एक कलर और है इसमें, बहुत प्यारा सा है, मरून वाइन शेड होता है ना जो, वो ये कलर भी इसमें आपको थोड़ा लाइट दिख रहा है, जैसे मैं कैमरे में देख पा रही हूँ, तो मुझे हल्का सा लाइट शेड लग रहा है, ब्राइट लग रहा है, जैसे वाइन शेड होता है ना प्रॉपर, ये वो वाला शेड है, दिस इज वाइन शेड। तो इसका बहुत प्यारा प्यारा इसका बंदेज है, मतलब छोटा छोटा सा है इसमें, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, 3-3 वाला। ठीक है, ये देखिए, बहुत प्यारा पीस है ये भी, और ये तो वाइट के साथ इतना खिल के आया हुआ है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये लगड़ी पट्टा,
प्रीमियम क्वालिटी। अच्छा एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, मतलब वैसे तो कुछ मतलब नहीं है अभी बताने का, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, आपको पता होना चाहिए। देखो जो अपना मुढ़ाल अजरक में अजरक बनाते हैं ना, और उस टाइम जो हम मुढ़ाल यूज करते हैं वो हमारा अलग तरीके का मुढ़ाल होता है अजरक के लिए, और उस मुढ़ाल के ऊपर हम ये वाला काम नहीं कर सकते। ये मुढ़ाल आती है दूसरी, है ना, डिफरेंस होता है दोनों में, क्योंकि वो बहुत मतलब मोढ़ाल सिल्क है ना, वो बहुत सिल्की वाला होता है, उसको बांधना, उसको नोट करना बहुत मुश्किल है, वो मतलब उस इम्पॉसिबल, उसके ऊपर बनाना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो हम बंधेज बनाते हैं, नीडल शिबोरी जब हम काम करते हैं, इसके लिए जो मोढ़ाल यूज होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक होता है। ऐसा नहीं कि वो चीप है वो सस्ता है, उसमें भी क्वालिटी आती है, सुपर क्वालिटी आती है, मीडियम फिर नॉर्मल वाला, है ना। तो ये आपकी बहुत प्रीमियम क्वालिटी है मोढ़ाल, बट उस मोढ़ाल से थोड़ा सा डिफरेंट वाला मोढ़ाल मिलेगा आपको ये, है ना, क्योंकि उस मोढ़ाल पे हम ये बंधेज बना ही नहीं सकते, बनता ही नहीं है उस पे कलर आना और ये सब चीजें, उसको बांधना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये देखो बहुत प्यारा पीस है यार, कोई बता तो दो कैसा लग रहे हैं सूट, ये देखो कितना बहुत ही अच्छा लग रहा है। सीरियसली ये है ना, अभी मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है, प्रॉपर जैसे वाइन शेड होता है ना एकदम से, वो वाला कलर है ये, बहुत प्यारा है। मतलब जस्ट इमेजिन कि आप इसको ना बहुत फुल फ्लेयर वाला, आपके पास 5 मीटर फैब्रिक मिल रहा है आपको, ये देखो 2.5 मीटर ये है, 2.5 मीटर मैंने लगाया, इसमें आप अच्छे से सूट अपना डिजाइन करना, घोटे की किनारी आती है वो आजकल वो लगाना, क्योंकि इसमें लगड़ी पट्टा आपका ऑलरेडी है, तो आप यूज कर सकते हो एंटी कलर में इसके साथ, घेरे पे और बाजू पे, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। कहाँ उलझ गया मैं, थैंक यू सो मच संगीता। ठीक है, ये देखो बहुत प्यारा पीस है, बहुत ही प्यारा, और इसका जो काम है ना, इसने लड़के ने मतलब सीरियसली बहुत अच्छा काम किया है उसने। ये देखो इसका पूरा हैंड शिबोरी, नीडल शिबोरी भी हम बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, नोई शिबोरी ऐसे भी करके बोलते हैं ना, तो ये इसका काम है, बहुत प्यारा पीस है। ठीक है, ये हो गया मुठाल का, है ना। अब हम चलते हैं चंदेरी वाले सूट्स, चंदेरी वाले मैं आपको दिखाती हूँ। अब प्लीज शेयर भी कर दो यार मेरी वीडियो को, क्योंकि लोग कम हो रहे हैं, वैसे तो आप लोग ही काफी हो मेरे लिए, आप लोगों का सपोर्ट बहुत है, बट फिर भी कुछ नए लोग जुड़ जाएं तो भी अच्छा रहेगा। ये देखो ये ग्रीन कलर है, अब इसमें बताती हूँ इसकी खास चीज क्या है। खास चीज ये है, फैब्रिक तो चलो अपना चंदेरी है ये, ठीक है, बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक है चंदेरी, और इसके अंदर आपका बंधेज रहेगा, ठीक है, फिर आपका हैंड नीडल शिबोरी रहेगा, और दुपट्टे में रहेगा आपका क्लैम्प, ठीक है। इसमें 3 आर्ट वाला आपका काम हो गया है, इसमें एक ही सूट में आपको 3 आर्ट फॉर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये देखो ये आपका रहेगा यहाँ पे नीडल शिबोरी वाला, और ये आपका रहेगा बंधेज, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी स्टिच करा सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो, अगर आप ऐसे बनाओगे तो इस जो ये वाला पार्ट्स है इसमें आपकी स्लीव्स आएंगी, साइड से जो हम स्लीव्स निकालते हैं तो वो आपका आएगा, और इस पार्ट को हम बॉर्डर पे और साइड में इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। ये देखिए, और हम इसको इस तरीके से हाफ एंड हाफ में भी बना सकते हैं, मतलब इट्स अप टू यू कि आपको इसको कैसे डिजाइन करना है। अगर आप इसको ऐसे डिजाइन करोगे ना, हाफ पोर्शन में हमने शिबोरी दे दिया है ना, और हाफ में हमने ये दे दिया, तो भी ये बहुत स्मार्ट लगेगा, इस तरीके से भी थोड़ा सा डिफरेंट आपका लुक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि आप इसको कैसे बनाओगे। बॉटम आएगी इनकी प्लेन फैब्रिक रहेगा चंदेरी, और ये जाएगा इसका दुपट्टा विद लगड़ी पट्टा और टैसल्स के साथ। एक सेकेंड, ये रहेगा इसका दुपट्टा, ठीक है, और ये रहेगी इसकी शर्ट। अगर मैं ऐसे पूरा लगा के दिखा रही हूँ तो आप इसका काम आपको दिख नहीं रख आएगा, तो आप सीरियसली अगर आप इसको इसको साइड में थोड़ा पोर्शन नहीं लेके और आप इसको ऐसे भी बनाओगे तो आपका एक टोटली डिजाइनर पीस बनेगा, ठीक है। फिर इस वाले पोर्शन में आपके आ जाएंगी स्लीव्स, ठीक है। तो आप इसको, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं तो अभी बनवा नहीं रही हूँ, क्योंकि मास्टर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी हो गए, मतलब कोई काम चल रहा है हमारा, है ना, तो अभी समर कलेक्शन रेडी हो रहा है, तो वहां पे काम करो अभी।
ठीक है, देखो आप इसको हाफ एंड हाफ, इसमें इस पोर्शन में आपने ये ले लिया और आपने ये बना लिया, तो आपका ये भी बहुत स्मार्ट लगेगा। इट्स टोटली डिजाइनर पीस, आप इसको अच्छे से डिजाइन करना है। तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका पीस ऐसे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी रेडी करा सकते हो, अगर आपको ऐसे कराना है सेंटर में ये पार्ट लेना है और इनको आपको स्लीव्स पे लेना, तो ऐसे भी हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये रहेगा आपका सूट का लुक। और इसकी बॉटम जाएगी प्लेन चंदेरी में आपका रहेगा फैब्रिक, थ्री पीस रहेगा, तीनों आपकी चंदेरी रहेगी। 4550 आपका प्राइस रहेगा। ठीक है, 4550 आपका रहेगा प्राइस। ये देखिए, ये रहेंगे आपके सूट। ठीक है, आपका एक कलर तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, बहुत प्यारा सा पीस है, रेनू आ गई तुम, हेलो नहीं करा तूने आज मेरे को। ये देखो, ये नीडल शिबोरी रहेगा यहाँ पे, ये आपका जाएगा बंधेज पूरा, इसमें इस तरीके से पैटर्न रहेगा। ये गोल्डन येलो टाइप से कलर है, ठीक है, गोल्डन येलो टाइप से कलर है। आप इसको एंड हाफ भी आप बनाओगे तो भी अच्छा लगेगा। तो अगर मैं आपको अभी ऐसे दिखा देती हूँ, यार एक बार फोन काटती हूँ, समझ नहीं आता क्या लोगों को, मेरे को ये बात क्या लग रहा है उनको कि मैं जानबूझ के कर रही हूँ। ठीक है, ये रहेगा इसका दुपट्टा, पर्पल कलर की इसमें टेसल्स रहेंगी, ये लकड़ी पट्टा जाएगा और ये रहेगा इसका क्लैम। ठीक है, ब्लू, ये पर्पल ब्लू के साथ इसका ऐसे रहेगा। ठीक है, ये जाएगा इसका दुपट्टा लाइक दिस। ठीक है, ये शॉर्ट जाएगी आपकी साइड में, आपका ये देखो, ये पूरा आपका नीडल शिपोरी रहेगा इस तरीके से, और ये बंधेज में इसका लुक रहेगा, जाएगा ऐसे। फ्रंट एंड बैक आपका रहेगा सेम, आपको मैं ऐसे ही लगा के दिखाती हूँ इसको, हाफ एंड हाफ करके इस तरीके से भी आप बनाओगे तो भी बहुत स्मार्ट लगेगा। ये देखिए, ठीक है, प्लेन आएगी इसकी बॉटम, 2.5 मीटर एज रहेगा। ये दुपट्टा आपके सामने है, लेंथ आपको पता चल रहा है कि कितना लेंथ रहेगा, 4550। ठीक है जी, और शिपिंग रहेगा, ये इसका एक कलर ये है और एक कलर और मैं दिखाती हूँ, बहुत प्यारा सा कलर है ब्राउन शेड में। ठीक है, चॉकलेट ब्राउन होता है एग्जैक्ट कलर, बहुत ही अच्छे अच्छे बने हैं। और इसका बंधेज है वो भी बहुत प्यारा है, इसमें 100 रुपीज एक्स्ट्रा हैं उसने, मतलब मुझे जो बताया था प्राइस, वो क्यों है वो मैं बताती हूँ कि जो इसका सेंटर वाला पैटर्न में जो बंधेज बना है ना वो ज़्यादा है, तो उसने कहा कि मैम मतलब ये बंधेज बनाना और वो, तो उनके एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं। ठीक है, आप जब बुक करोगे ना तो आप मेरे को प्राइस एक बार पूछ लेना, मतलब थोड़ा 100-150 रुपये का ऐसे ऐसे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, तो ऐसे डिफरेंस है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा नीडल शिबोरी रहेगा, ये बंधेज का रहेगा, बिल्कुल बारीक वाला जो बंधेज हम बोलते हैं ना, बहुत बारीक महीन काम हुआ है इसमें, ऐसे बड़े वाला बंधेज नहीं है। और ये जो पैटर्न बना है ना बहुत सुंदर है, अभी इसको आयरन नहीं किया हमने। ठीक है, जब ये पूरा ऐसे जब आयरन होगा ना तो ये पूरा ऐसे खुल के आएगा उभर के, ये बहुत प्यारे लगेंगे ये पीसेस। ठीक है, तो ये हमारी होगी शॉर्ट, अगर हम इसको हाफ एंड हाफ में करें या आप इसको ऐसे ही बनाना, क्योंकि इसका एक बीच वाला पैटर्न ही बहुत प्यारा है। वो आपकी ये साइड वाला जो शिबोरी है, ये आपकी बॉटम जाएगी प्लेन कलर, बहुत प्यारा पीस है। और ये रहेगा आपका दुपट्टा, बहुत ही खूबसूरत से पीसेस है, ये देखो लकड़ी पट्टा के साथ, ये देखिए, ये जाएगा इसका दुपट्टा। बस मैम दो कलर और दिखाऊंगी मैं इसमें, और लाइव अपना फिनिश हो गया, खत्म। ये देखो, एंड इसका फैब्रिक रहेगा मैम चंदेरी,
ये वाले मैं दिखा रही हूँ, पहले मैंने मोडाल पे दिखा था, अभी ये मैं चंदेरी पे दिखा रही हूँ। आपकी बहुत फाइन क्वालिटी में आपकी चंदेरी रहेगी, 3 आर्ट फॉर्म्स इसमें रहेंगे, हैंड बांध नहीं रहेगा, नीडल शिबोरी रहेगा और क्लैम्प का दुपट्टा रहेगा, 3 आर्ट आपके एक सूट में रहेंगे। तो आप जस्ट इमेजिन कि वो कितने ही खूबसूरत रहेंगे और उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगा होगा और उसकी क्या कॉस्ट आएगी। तो मैं बहुत ही आपको ना ऐसे प्राइजेस पे दे रही हूँ कि ये प्राइस पे ये सूट पॉसिबल ही नहीं है, मे बी नेक्स्ट टाइम मेरे पास आएगा तो प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा इनका, क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है इसमें। देख रहे हो आप, इसमें एक बहुत बारीक से और बहुत ही मेहनत वाला इसका काम है। ठीक है, अभी चलते हम नेक्स्ट। नेक्स्ट रहेगा आपका येलो एंड पिंक, बहुत प्यारा सा पीस है। अब जो ये वाला पैटर्न है ना बंधेज में, इसका थोड़ा सा प्राइस में आपका थोड़ा सा डिफरेंस होगा जाएगा, ये थोड़ा सा और हाई हो जाएगा क्योंकि उसमें बंदेज का काम कम था और इसमें बहुत ज़्यादा। ये देखो, ठीक है, ये आपका नीडल वाला तो पैटर्न इतना ही है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट रहेगा, अभी पास से आप देखोगे ना तो ये देखो बहुत बारीक महीन इसका काम है, एकदम से बहुत प्यारा सा येलो कलर में जाएगा और ये पिंक कलर के साथ रहेगा, विद टेसल्स एंड लगड़ी पट्टा ये जाएगा आपका दुपट्टा, बहुत प्यारा पीस है। ठीक है, देखो इसमें ना प्राइस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बाद में कहूंगी कि प्राइस ये, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे व्हाट्सअप कर देना तो मैं चेक कर लूंगी। इसमें मतलब 100-150 रुपए का थोड़ा सा ऊपर नीचे है प्राइस का, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको बता दूंगी, क्योंकि जिसमें थोड़ा सा काम ज्यादा है उसमें प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसकी बॉटम कहाँ गई, इसकी बॉटम है मतलब ये है, हाँ यही वाली है, प्लेन आपकी चंदेरी की बॉटम रहेगी इसके साथ। ठीक है, बहुत प्यारा सा पीस है और वर्क इसका बहुत महीन है। बांधनी का मैंने दिखाया था, आप स्टार्टिंग से वो आई थिंक लाइव में तो मैंने दिखाया था आपको, बांधनी के सूट मैंने आपको दिखाए थे। फिर आ गया हमारा रेड कलर में, ये भी बहुत प्यारा सा पीस है, इतना रेड नहीं है जितना पिक्चर में दिख रहा है, उतना रेड कलर नहीं है, आप ये मत सोचना कि ये बहुत ब्राइट है या बहुत मतलब ऐसे वाला है। तो ये देखो, ये आपका साइड में जाएगा शिबोरी और ये वाला हो गया और ये आपकी बॉटम जाएगी। एक सेकेंड, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, फटाफट आपको दिखा दूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये रहेगा इसका दुपट्टा, ये आपका जैसे इसका जो बेस कलर है वो हल्का सा पिंक सा कलर जाएगा, उसके ऊपर रेड कलर के ये जाएंगे विद लगड़ी पट्टा और दिस इज द लुक, बहुत प्यारा सा पीस है ये भी। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया आपका बांधनी और बंधेज और क्लैम्प डाई। ठीक है, 3 आर्ट फॉर्म्स आपके एक सूट में है तो बहुत ही प्यारे हैं, इनको आप अच्छे से स्टिच कराना और फिर मेरे साथ फोटो भी शेयर कर देना, मैं भी देखूँ। वैसे कोई करता तो नहीं है, मैं बोलती भी नहीं हूँ ना, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता कि फोटो उनकी पोस्ट हो। चलो कोई बात नहीं, कोई वो तो नहीं है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है ना। चलो मैं अभी आपको बांधने के कलर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं एक एक करके दिखाती हूँ। ठीक है, एक वाइन शेड आएगा, ये वाइन शेड है, इसमें थोड़ा सा लाइट लग रहा है जैसे मरून लग रहा है बट ये वाइन शेड है प्रॉपर। ठीक है, और बांधनी में दूसरा आएगा ये ब्लू ब्लू कलर, और एक जाएगा हमारा पर्पल, और गिर गया सामान, और एक जाएगा ये रेड। मतलब दुपट्टे सबके ये डिजाइन है, दुपट्टा तो आपने देखा होगा मैम, है ना, सबका आपने देख लिया होगा। मैं आपको ऐसे निकाल के दिखा देती हूँ क्योंकि हमें ना काफी लेट हो गए हैं। एक ये ब्लू, ठीक है, एक ये रेड, ये बहुत ब्राइट लग रहा है, इतना ब्राइट नहीं है, बहुत प्यारा सा रेड कलर, जैसे वो वाइन कलर वाला आपको एक लाइट लग रहा था क्योंकि लाइट्स है ना, तो लाइट्स में रेड और ये जो मेरून कलर है तो जो एक्चुअल कलर होता है ना उससे थोड़ा लाइट दिखता है ना, तो ये प्यारा सा रेड कलर है, इतना ब्राइट नहीं, इसमें तो बहुत भड़कीला लग रहा है एकदम। ठीक है, ये हो गया, ये वाइन कलर है, मरून नहीं है, इसका जो आपको कैमरे में दिख रहा है ना उससे थोड़ा सा डार्क रहेगा, बिल्कुल जैसे वाइन शेड है, ये एकदम से अपना ब्लू कलर होता है ना, कौन सा ब्लू बोलते हैं, हाँ जी संगीता जी बिल्कुल। ठीक है, ये पर्पल शेड, ये ब्लू
ये रेड, ये वाइन, ठीक है जी। ये हो गए हमारे बंधेज के, और इनके दुपट्टा, एक दुपट्टा दिखा देती हूँ मैं, किसी एक का दुपट्टा आपको दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। सबके दुपट्टे ऐसे आएंगे, ठीक है, विद लगड़ी, वाइन उल्टा है, विद लगड़ी पट्टा। आप बता दिया करो, आप है ना लाइव में बैठ के ना, तो आप बता दिया करो कि ये कौन सा कलर है, कौन सा कलर है, ठीक है। ये दुपट्टा रहेगा, ये देखिए, ये सबके दुपट्टे जो बांधने वाला मैंने आपको दिखाए हैं सूट, 5 मीटर आपका ये फैब्रिक रहेगा, और सबके दुपट्टे ये रहेंगे, ये आपका रहेगा नीडल शिबोरी में, ठीक है। हाँ जी, मैं लाइव को अभी अपलोड कर देती हूँ, ठीक है जी। ये हो गया आपका, ये था हमारा आज का बहुत खूबसूरत सा कलेक्शन, जो हमने टाइम दिया था उससे हम थोड़ा लेट हो गए, बट फिर भी थैंक यू सो मच, आप लोग सब आ गए, नहीं तो मुझे लग रहा था कि कोई नहीं आएगा आज, ठीक है जी। चलो अभी चलते हैं। हेलो कंचन, कंचन यू आर लेट, बहुत लेट होगी बहन, अभी मैं जा रही हूँ और अभी तो आई है, अभी कौन कौन है और, ठीक है जी, चलो अभी हम चलते हैं, और थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग आए और इतने इत्मीनान से आपने मेरा लाइव देखा, एंजॉय किया। फेवरेट, मेरा फेवरेट कलर, ऐसे तो मेरा फेवरेट कलर ब्लैक होता है, और ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब इनमें अगर मैं देखूं तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, ऐसे मेरे को ऐसा तो कुछ फेवरेट भी नहीं है। ऐसे पूछो ना मेरे से, कोई पूछे थे कि खाने में तेरी फेवरेट चीज़ क्या है, कपड़ों में फेवरेट, मतलब ऐसे अगर कोई पूछे तो मेरे पास कोई जवाब ऐसे होता नहीं कि मेरा कुछ फेवरेट नहीं होता, बस जो मुझे कभी एट ए टाइम कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि हाँ। अब खाने में फेवरेट क्या होता है ना, कि अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोई टेस्ट आपको अच्छा लगा तो आपको अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम आपको खाना कुछ और अच्छा लगा तो वो भी आपको अच्छा ही लगता है ना, फेवरेट एक चीज़ पे तो अपन अटक ही नहीं सकते। तो मतलब वैसे मेरे को ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगता है, जैसे ये वाला कलर है ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो हाँ आप मेरी बात समझ जाते हो। सीरियसली मतलब मैं सच बताऊँ ना, ऐसे मतलब वो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा फेवरेट खाना, फेवरेट कलर, और ऐसे मैं तो मतलब लोग बताते भी, और मैं ना सोचती रहती हूँ कि भाई मतलब यार ये बड़े मतलब सुलझे हुए लोग हैं यार, ये फेवरेट चीज़ें बता देते हैं ना, कितना सही है यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आता, ऐसे मैं क्या बताऊँ किसी को कि क्या फेवरेट है, मैं तो चुप हो जाती हूँ, मेरे को ना ही पूछो मेरे से ऐसे सवाल। मैं ये वाला लूँ, और ये वाला भी मेरे को अच्छा लग रहा है, आप अच्छा आप मेरी चॉइस से लोगे क्या, आप ये ले लो अगर मेरी पसंद से। सच में मेरे साथ ऐसे होता है, मैं तो बहुत ऐसे सोचती हूँ कि हाँ कि कैसे बता पाते हैं इतना, मैं सोचती हूँ कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो जो ऐसे बताते हैं, मैं चलते चलते मेरी तो कोई चीज़ भी ऐसी भी फेवरेट हो जाती है। आप ये ले लो मैम, ये अच्छा है, ब्राउन कलर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो ब्राउन कलर पेस्टल शेड्स मेरे को अच्छे लगते हैं, ब्राइट में कोई कोई चीज़ें ऐसे मेरे को लगता है कि हाँ सही लगती हैं, जैसे वाइन शेड है ये थोड़ा सा मतलब डार्कर कलर में अगर हम चाहें तो ये भी अच्छा है, ठीक है। और कुछ, एनीथिंग एल्स, किसी को और कुछ पूछना है, मेरी फेवरेट चीज़ क्या है मुझे खुद को ही नहीं पता, कुछ फेवरेट नहीं है मेरा। अच्छा जी ब्रो, ये सही है। हाँ अभी मैं बैठी रहूँ यहाँ पे और मैंने खाना भी नहीं खाया है, चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं आपके लिए एक काम, और ये देखो ये रहेगा ब्राउन, और मतलब वाकई में ना ये कलर बहुत अच्छा है, बहुत ही एलिगेंट है, मुझे अच्छा लगता है ब्राउन कलर हमेशा। हेलो सोनिया, ये काम आपका फेवरेट है, कौन सा, ये वाला, ये बस यार अच्छा लगता है, मतलब इसमें मेरे को ज्यादा ऐसे है ना, मैं इरिटेट नहीं होती इस काम को करते हुए, सही बताया, ये मेरे को, ये काम मेरा फेवरेट है, अच्छा लगता है, जब मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, जब मन होता है तो मैं कर लेती हूँ, बहुत खुद के साथ जबरदस्ती नहीं करती मैं, कभी कर भी नहीं सकती मैं। ये देखो, ये देखिए, ये है रहेगा,
ये रहेगा आपका शेप, बहुत प्यारा है सीरियसली। मतलब ये ब्राउन कलर और इसके ऊपर जो ये बन के आया है ना, इसके उभर के जो आया है बंदेज, अच्छा मुझे कितने में मिले? चलो आप व्हाट्सएप पे आ जाओ, मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे ये पीसेस कितने में मिले। ठीक है, ये मैंने खुद ही बनाए हैं अभी बैठ के, और मैंने खुद तैयार कर दिए ये। ठीक है, ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, चलो अभी चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।